ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से देश के संसाधनों को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र कर डाला और कहा कि मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। कांग्रेस के लोगों ने अब चुप्पी साध ली। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बगुला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं, पहले तो समझ ले, 25 साल हो गए आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो, अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया, कभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और न ही ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। तो सांप सूंघ गया है कांग्रेस के लोगों को, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरवन नंगेले साहब और पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगवानी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं, जवाब आप ही दीजिए। देखिए, ये मोदी जी का झूठ लगातार जारी है। पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में सेम बात कही, आज चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के समय उनको एक नोटिस भी दिया गया। आज देखिए, हमने मनमोहन सिंह का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल किया, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। आपके न्यूज़ 18 बहुत लोकप्रिय चैनल है, बहुत शौक से दर्शक देखते हैं। मनमोहन सिंह का बयान वर्ड टू वर्ड पढ़ दे रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश के संसाधनों पर ST SC OBC और EWS जो सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग हैं, इसके अलावा महिला, युवा, सबका बराबर अधिकार है। देश के संसाधन संपत्ति को सबको बराबर मिलना चाहिए। कहीं पे भी उन्होंने अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय की बात नहीं की है। आपने अभी, मैं आपके शुक्ला जी का बयान सुन रहा था, आपने अपने उससे पूछा कि उनसे पूछिए कि जो वीडियो, जो वीडियो, जो वीडियो, जो वीडियो जारी किया है बीजेपी की तरफ से पुराना डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उस वीडियो का आपने देखा? जी, मैं वही इसको जवाब देना चाह रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल
इनकी ट्रोल आर्मी का ये चरित्र बन चुका है कि हमारे नेताओं के बयान को आधे हिस्से को शेयर करके उसमें काट छाट करके इस प्रकार के झूठ पूरा आपके पास है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं कि आपके पास है प्रूफ, ओरिजिनल है, अभी जस्ट वीडियो वायरल हुआ, पहले भी तो देखा ना आपने राजस्थान के बांसवाड़ा का वीडियो, आज सच्चाई देखिए उसके चैनल की सारी उस पर वीडियो वायरल रहा। आपने वीडियो देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, चेक करके बताया कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीडियो देखा। पहले का वीडियो भी देखा 100% देखा, मैने पहले का वीडियो भी देखा। क्या उस वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं गंगवानी साहब? आपने कहा कि मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूं, तो इसका भी बताइए कि उस वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ड टू वर्ड क्या कह रहे हैं। देखिए अभी का वीडियो जो जस्ट वायरल किया, मैंने जस्ट नहीं देखा है, मैं राजस्थान के बांसवाड़ा की बात कर रहा हूं, जब उस समय मोदी जी ने मनमोहन सिंह के बयान की बात की, वो देखिए, आपने देखा, वो देखिए, वो देखिए, एक बार सुनिए, ना, प्रतिक्रिया देने से पहले देखिए, प्रतिक्रिया देने से पहले देखिए, आपके पास भी मोबाइल है, डिवाइस है, वहीं पर तुरंत खुल जाएगा, बीजेपी के हैंडल पर चले जाइए और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगा। नगेले साहब मैं आपके पास, नगेले साहब मैं आपके पास, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बगैर फैक्ट चेक किए, ये गलत तरीका है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, बात कहां से कंप्लीट होगी, आप बात कर ही नहीं रहे, आप बात, मैं आपसे जिस सवाल को कर रहा हूं आप उस सवाल को जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप क्या मनमोहन सिंह के बयान को गलत, बड़ी खबर 3 बजे तक एमपी में 46.50% मतदान, 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में 63.90% मतदान, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ गया है और मनमोहन सिंह के बयान पर, पुराने बयान पर विवाद शुरू हो गया है दूसरी तरफ, और प्रधानमंत्री इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज बताना जरूरी है क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है पूरे देश में, 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसी सीटें जहां जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पर 3 बजे तक वोटिंग जो थी वो समाप्त हो चुकी है, 3 बज चुके हैं, वोटिंग समाप्त हो गई, जहां पर अगर लोग कतार में हैं तो वहां पर वोटिंग वो करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन गेट अब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन 3 बजे तक का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज बताना जरूरी है, छत्तीसगढ़ में 63.90% और मध्य प्रदेश में 46.50% मतदान हुआ है। और अगर मध्य प्रदेश की 6 सीटों का अगर हिसाब देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा तो हम नहीं मान सकते क्योंकि ये 50% को भी अभी नहीं छुआ और वोटिंग में अब केवल और केवल 3 घंटे बाकी है, वो भी भीषण गर्मी का समय है और ऐसे में हो सकता है कि जब थोड़ी सी ठंडक हो तब वोटर फिर से निकले और शाम 6 बजे तक, लेकिन सुबह जो उत्साह रहता है उतना तो उतनी कतारें तो शायद ही देखने को, लेकिन हो सकता है कि जो काम से लौटेंगे वो वोट करने जरूर जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मध्य प्रदेश से वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, 3 बजे तक 63%, मध्य प्रदेश से 46% की खबर आ रही है। पुनीत जी अभी मध्य प्रदेश की वोटिंग समापन में बहुत समय शेष है, 3 घंटे और जी मैं बोले था 3 घंटे पर्याप्त होते हैं और हमने पिछले कई चुनावों से देखा है सर के आखिरी के 2-3 घंटे बहुत जोरदार पोलिंग होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का पन्ना प्रभारी अर्ध पन्ना प्रभारी हम सब बहुत सबलता के साथ मैदान में है। मैं तो कांग्रेस के चरित्र की बात कर रहा हूँ कि ये दृष्टि बाधित भी है, श्रवण बाधित भी है, प्रधानमंत्री जी के संपत्ति के लूट के विषय का खुलासा सेम पित्रोदा राहुल गांधी जी का वीडियो, पुष्टिकरण का खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे और अब आरक्षण के जिस विषय पर बातचीत करते हैं मुसलमानों को स्पेशल अधिकार की मनमोहन सिंह जी का वीडियो, और मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ बीजेपी के हैंडल पर वीडियो है, सत्य वीडियो है, दम है, राहुल गांधी जी में कार्रवाई करा दें, ये मुसलमानों के नाम पर सस्ती में, तो सवाल पुनीत जी पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुसलमानों को अलग बांटते हो देश से, इसी भारत भूमि का के लोग है वो, उनका भी इस भारत भूमि पर अधिकार है, पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले भारत का हिस्सा थे वो लोग, आज इसी भूमि के पुत्र है वो, पर आपने अपनी शूद्र और सस्ती राजनीति के लिए इस स्तर पर आ गए आप कि आपके आप प्रधानमंत्री जी को झूठा ठहराते हो, आज सामने कलई खुल गई तो भैया कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, कहीं सिवाय अल्पसंख्यक और मुसलमानों के मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है ही नहीं, इनको अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, और ये मुसलमानों का हित कर रहे हैं ऐसा करके,
उनके प्रति द्वेष। पंकज चतुर्वेदी जी ने मनमोहन सिंह का पहले का बयान सुना है जिसके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में कंप्लेन करते हैं, सुन लीजिए पहले चैनल पे। सरकार में आए करने से पहले चीजों को जांचिए। ये आपकी आईटी सेला ट्रोल आर्मी का जो चरित्र है, झूठ फैलाने का प्रयास है। 4 जून को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी आपको चतुर्वेदी जी, उस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। पहले चरण के चुनाव के बाद आप अच्छे से समझ चुके कि आपकी सरकार की हालत है, इसीलिए सरकार के प्रयास है वोटों का ध्रुवीकरण इतनी ज्यादा बात हो रही है। दोनों अपनी बातें क्या हो रहा है, ये बातें घूम हो जा रही है। सर सर आपके पास प्रधानमंत्री एक और बात कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा पहले देख लेना चाहिए, बयान को देखना चाहिए। बीजेपी ने तो अब ऑफिशियली जारी कर दिया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान, 15 साल पहले का बयान बीजेपी आज दिखा रही है और कह रही कि यह बयान दिया था इस चुनाव में 2024 के चुनाव में। बताइए सर क्या कह रहे हैं। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए 15 साल का 20 साल पुराना भी वीडियो दिखा सकते हैं, दिखाने का पूरा अधिकार है। क्योंकि भाई जब उनके बयान पर ये बात आती है कि नहीं उन्होंने असत्य कहा, तो वो तो कहीं ना कहीं से अपना एविडेंस जो सब्सटेंशियल है वो तो पब्लिक के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच में आपकी संवाद के दौरान मैंने भी जो है ना व्हाट्सएप चैनल जो रहते हैं उसमें जो फैक्ट चेक संस्थाएं हैं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप की संस्थाएं मान्य संस्थाएं हैं, वहां मैं देख रहा था, मेरे को कहीं वो फैक्ट चेक में तो देखने में नहीं आया। लेकिन हो सकता कि शाम तक वो अपडेट हो जाए, क्योंकि फैक्ट चेक जो होता है ना वो एक थोड़ी सी प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के बाद ही वो होता है, तो अभी तक तो नहीं आया। एक विश्वास भी ऐसे 8-10 संस्थाएं हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, यदि वो अपने हैंडल पर डाल रहे हैं तो उसको बिल्कुल सही मानना चाहिए। अब ये फैक्ट चेक के बाद निर्भर करता है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि अभी फैक्ट चेक की कोई ऐसी जो एजेंसीज हैं, जो अथॉराइज हैं, जो जो फेसबुक या व्हाट्सएप के साथ में जिनका कोलैबोरेशन है, उन्होंने तो अभी ऐसा कोई अभी जारी नहीं किया है। लेकिन शाम तक वो चीज़ आ जाएगी कि सच्चाई क्या है, वो वीडियो है या नहीं है, ये शाम तक या हो सकता है 1-2 घंटे में आ जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बात क्यों आ रही है? आप देश के विकास की बात कीजिए, देश के बेरोजगारों की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, संविधान की बात कीजिए, अपने घोषणा पत्र की बात कीजिए, आप जो महिलाओं के लिए जो आपने आरक्षण बिल लेकर आए थे उसको लागू करने की बात कीजिए कि हम जल्द से जल्द लागू करेंगे, हम सेंसस कराएंगे। आप जो है ना आईटी की बात कीजिए, आप ड्रोन के माध्यम से देश में कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितनी तरक्की कराएंगे ड्रोन के माध्यम से, कैसे आप जो घुसपैठियां आ रही है उस पर कैसे नजर रखेंगे उसकी बात कीजिए। आप बताइए कि आपका डेटा पॉलिसी नहीं है, भारत का पूरा डेटा जो है ना इंडिया से बाहर। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से उसको सुनवाना जरूरी है। अजय गंगवानी साहब मैं सुनवा रहा हूं, प्लीज प्ले कीजिए। पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटीज इफ दे आर पुअर दे हैव प्रायर क्लेम्स ऑन द रिसोर्सेज। I use the word all for all minorities and I added from there, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. I said minorities, particularly Muslim minorities. मैंने कहा अल्पसंख्यक, खास तौर पर वो अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटीज का जिक्र उन्होंने किया जो गरीब हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। यह हम चला भी रहे, इसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। वक्त एक ब्रेक का है, लौट रहे हैं जल्द। गंगवानी साहब आपके पास आऊंगा मैं।